हाउ टू इंक्रीज टोमेटो प्रोडक्शन बाय 40%। हम लोग वो सब पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या रीजन रहते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन घट जाता है, तो हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरा नाम समीर अलावादी है, मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। मैं 21 ईयर्स से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हूँ और मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रो के प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मैं ऑन फील्ड रेगुलरली काम करता हूँ, रोज खेतों में जाता हूँ। मेनली मैंने काम किया है केले पे, पपीते पे, आम, अमरूद, गन्ना, चीकू, अमरूद, दाड़म, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारी कंपनी एक पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है एग्रीकल्चर के लिए, 100% नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, सभी तरह की हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के लिए यूज होते हैं। हमारी कंपनी सूरत बेस्ड है और हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.utkarshagrochem.com, utkarshagrotech.com। इस समय हमारी कंपनी की मतलब वेबसाइट के ऊपर अच्छी सेल भी चल रही है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, 31 तक है। अपने टमाटर के ऊपर शुरू करेंगे। टमाटर के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब टमाटर दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनेट टमाटो और इनडिटर्मिनेट टमाटो। मतलब डिटर्मिनेट टमाटो वो वैरायटी होती है जो फिक्स एक साइज तक ऊंची होती है, उसके ऊपर फल आते हैं और बहुत कम कम समय तक फल आते हैं, 2 वीक तक ही उसके फल आते हैं, और एक बार एक फ्लश आता है तो उसके बाद में प्लांट मर जाता है, खत्म हो जाता है और नए फल उसके अंदर नहीं आते हैं। लेकिन जो वैरायटी मार्केट के अंदर कमर्शियली चलती है वो इनडिटर्मिनेट टमाटो होती है, मतलब वेला वाली, ये हो गया पौधे वाली, जिसके अंदर कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके अंदर वेला होता है, इसलिए उसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। तो उसकी जो हाइट ऊंची जाती है और फ्रूट एक बार आता है तो मतलब कंटिन्यूसली उसके बाद आता रहता है, फिर वो वेला बन जाता है, तो उस तरह से लंबा होता रहता है। उसको अपने इनडिटर्मिनेट के साथ में वाइनिंग टोमेटो भी बोलते हैं, मतलब वेला वाला टमाटर भी बोला जाता है और कमर्शियली यही चलता है। इसके अलावा चेरी टमाटो होता है, वो भी वाइनिंग टाइप का ही टमाटो होता है। ये मेजर क्लासिफिकेशन रहता है टमाटो वैरायटीज के बारे में। टमाटो के लिए कौन सा क्लाइमेट सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है? टमाटो एक गर्मी का क्रॉप है, कि गर्म क्लाइमेट के अंदर वो ज्यादा सूटेबल रहता है। सबसे अच्छा कलर और क्वालिटी अगर हमें चाहिए तो टेम्परेचर 21 से 24 होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फ्रूट फ्रूट सेटिंग के लिए 15 से 20 डिग्री का है। 15 से 20 डिग्री में फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छा होता है, मतलब ये एक्चुअली कहा जाए तो ये ठंड का क्रॉप है, ठंडी के अंदर इसका सेटिंग ज़्यादा अच्छा होता है। 32 डिग्री के ऊपर फ्रूट सेटिंग के ऊपर भी खराब असर आता है और डेवलपमेंट के भी ऊपर असर आता है। टमाटर का प्लांट में फ्रॉस्ट मतलब बर्फ जैसा या हाई ह्यूमिडिटी उसको नहीं चलती है, इसलिए ज्यादातर ये गर्मियों में किया जाता है और बहुत ज्यादा ठंड वाले एरिया में ये नहीं होता है, तो उसे ज्यादा बरसात नहीं चाहिए, तो इसलिए बिना बरसात वाले एरिया के अंदर ही ये होता है या कम बरसात वाले पीरियड में होता है। बहुत सारा सनलाइट लगता है फ्रूट को तैयार होने में, डार्क रेड बनने में, इसलिए जब जब फ्रूट डेवलप तैयार होने का समय आता है तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए। टेम्परेचर 10 डिग्री से अगर कम आपके एरिया में जा रहा हो तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, बहुत सारी एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस अटक जाते हैं, तो आपका टेम्परेचर कम जा रहा हो तो वो क्लाइमेट भी आपके लिए सूटेबल नहीं है करने के लिए। जो अपने मैंने बताया वो एक बहुत अच्छे से टेबल के स्वरूप में है, कि जर्मिनेशन बीज उगने के लिए नर्सरी स्टेज के लिए आदर्श टेम्परेचर 16 से 29 डिग्री होता है, मैक्सिमम 34। सीडलिंग को ग्रो करने के लिए 21 से 24 होता है। फ्रूट सेट के बीच में 15 से 17 आइडियल रहता है, मैक्सिमम 30 तक चल सकता है। रात का टेम्परेचर 20 से 24, सॉरी, रात का टेम्परेचर 15 से 17 चलता है और दिन का 20 से 24 के बीच में अच्छा रहता है। और रेड कलर डेवलपमेंट के लिए
20 से 24 के बीच का टेम्परेचर रहता है। संजय जी, आपका जो सवाल है कि हमें इनडिटर्मिनेट ही लगाना चाहिए हायर यील्ड के लिए, डिटर्मिनेट वैरायटी हमें नहीं लगाना चाहिए और कमर्शियली वो चलती भी नहीं है। सॉइल कैसा होना चाहिए, बहुत सारे तरह के सॉइल में ये हो सकता है, फ्रॉम रेताल जमीन से लेकर ब्लैक डीप ब्लैक कॉटन सॉइल तक होना चाहिए, लेकिन जो भी हो उसकी निर्धारण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। या लाल सॉइल भी चलती है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा खासा हो और पीएच की रेंज 6 से 7 के बीच में आदर्श गिनी जाती है। बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है ये बहुत सारे फंगस के प्रति, जैसे फाइटोप्थेरा है जिसकी वजह से विल्ट आ जाता है और पौधा मरना शुरू हो जाता है। उसके लिए सॉइल सोलराइजेशन होना करके रखना बहुत ज़रूरी रहता है, जिसको जमीन को तपाना बोलते हैं, 1 महीने तक जमीन को तपा के रहना चाहिए। दूसरा, हम मिथाइल ब्रोमाइड या फॉर्मलिन यूज करके या फिर H2O2 सिल्वर यूज करके सॉइल को हमें सोलराइज करना चाहिए, स्टरलाइज करना चाहिए, ताकि जमीन के अंदर जो भी खराब जीवाणु हैं वो सब मर जाएं और हम एक फ्रेश जमीन के साथ में काम शुरू कर सकें। प्लांटिंग का टाइम किस टाइम पर उसे लगाना चाहिए, डे न्यूट्रल प्लांट है, मतलब जिस दिन कोई भी टाइम पे लगाया जा सकता है, इसलिए कोई भी सीजन में हो सकता है। हमें मेजर क्लाइमेट का टाइम जो हमने देख लिया है, नॉर्दर्न के अंदर उसे 3 क्रॉप के तरह लिया जा सकता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, लेकिन जिस एरिया में फ्रॉस्ट पड़ रही है उसमें वहां पर नहीं किया जा सकता। नॉर्दर्न एरिया में जो खरीफ प्लांट जो होता है उसकी ट्रांसप्लांटेशन जुलाई में की जाती है और रबी क्रॉप की अक्टूबर नवंबर में की जाती है और ज़ैद क्रॉप की फरवरी में की जाती है। साउदर्न प्लेन्स के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर कोई फ्रॉस्ट का कोई डेंजर रहता नहीं है, तो पहली प्लांटेशन वहाँ पर मानसून के बाद में दिसंबर जनवरी में की जाती है, जो अभी का सीजन है। सेकेंड प्लांटेशन जून जुलाई में की जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं रहता है, मेन वो बात है। और थर्ड की जाती है सेप्टेम्बर अक्टूबर में, डिपेंड करता है कि अगर आपके यहाँ पानी की फैसिलिटी किस तरह से है। सीड की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए रहती है, अगर आपकी ओपी वैरायटी है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी अगर आप ले रहे हैं तो 120 से 160 ग्राम प्रति एकड़ के लिए सीड चाहिए। अगर हाइब्रिड आप वैरायटी ले रहे हैं 550 टू 70 ग्राम पर एकड़ चाहिए। नॉर्मली मैं अपने वेबिनार्स के अंदर कभी भी सीड की वैरायटी रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपके एरिया के अंदर जो टमाटर हो रहा है आप लोकल किसानों के साथ बात करिए कि कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं। जो भी सक्सेसफुल रनिंग वैरायटी हो, जो पॉपुलर कंपनी की वैरायटी हो, कमर्शियल लेवल पर वही लगाना चाहिए। नया अगर आपको सीड ट्राई करना है तो आपको 5-7% एरिया में ही नया ट्राई करना चाहिए। नई वैरायटीज कभी भी नए फार्मर को ट्राई नहीं करनी चाहिए, जो सीजन फार्मर हैं उनको भी अपने 5-7% जगह पर ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर सीड गलत ले लिया हो और कमर्शियली अपने लोकल एरिया में वो वैरायटी नहीं चलती हो, वो लोकल एरिया का क्लाइमेट हमें सूटेबल ना हो, पूरा का पूरा क्रॉप फेल हो जाता है। ये कमर्शियल क्रॉप है, काफ़ी मतलब इंटेंसिव खर्चा आता है इसके अंदर, इसलिए सीड्स पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। नर्सरी को अगर हम खुद बनाना चाहते हैं तो नर्सरी की तैयारी हम कैसे करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे किसान तैयार बाजार से जो अच्छी नर्सरी में मिलता है वो तैयार करके, कोकोपीट वाला भी आजकल चलता है, लेकिन अगर हम खुद अपनी नर्सरी बना रहे हैं तो इस तरह से नर्सरी बनानी चाहिए। पहले जो नर्सरी वाली जो जगह है उसको अच्छी तरह से ढंग से 4 से 5 बार प्लाव करना चाहिए, बाद में उसको लेवलिंग कर लेना चाहिए ताकि पानी आराम से ड्रेन आउट हो जाए, कोई तकलीफ ना पड़े। नर्सरी हमेशा अच्छी नर्सरी के लिए रेज बेड बेड बनाया जाता है, जो नॉर्मली 3 मीटर से लेके 0.5 मीटर के साइज का होता है और उसकी हाइट 3 फुट लंबाई और 0.6 मीटर उसकी पौड़ाई होती है और हाइट 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। रेज बेड वाला करने से सीडलिंग बहुत अच्छी तरह और बहुत अच्छी क्वालिटी के तैयार होते हैं। 2 बेड के बीच में 70 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं
तो पानी देने में, वीडिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, और अगर अपने को दो लॉट में भी करना है तो उसको भी अच्छा रहता है। जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ और बराबर लेवल कर देना चाहिए ताकि किसी भी जगह पे पानी ना भरे। छना हुआ गोबर खाद डालना चाहिए ताकि ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा रहे। जैसे मैंने आगे बोला है कि रेज बेड पे ही करना चाहिए जिससे पानी नहीं भरे, हैवी सॉइल में नॉर्मली पानी भर जाता है तो ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। अगर आपका सैंडी सॉइल है तो आप सैंडी सॉइल के अंदर आप फ्लैट जमीन में भी काम काज कर सकते हैं, लेकिन डैम्पिंग ऑफ को अवॉइड करने के लिए पहले बीज को पानी के अंदर भिगो के रखना चाहिए और बाद में उसको कार्बेंडिज्म में डालने के बाद में फिर सोइंग करना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष का माइक्रोब्स में भी कर सकते हैं, उत्कर्ष ट्राइकोज में भी कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा वीडी में भी उसका कोटिंग कर सकते हैं ताकि डैम्पिंग ऑफ से आप बच सकें। जैसे अभी मैंने बोला कि सोइंग करने से पहले ट्राइकोडर्मा का या कार्बेंडिज्म का करना चाहिए ताकि डैम्पिंग ऑफ से बचा जाए। सोइंग पास पास की लाइन में करना चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में करना चाहिए। सीड्स को नॉर्मली 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर करते हैं और बाद में हल्का सा मिट्टी से कवर करके पानी दे दिया जाता है वाटर कैन से। लूज वाटरिंग नहीं दिया जाता है, फ्लड वाटरिंग नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत हल्के सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट सीड्स होते हैं टमाटर के, तो सीड का इधर उधर हो जाता है। बेड में बीज लगाने के बाद में उसको घास से या सूखे कचरे से या गन्ने शुगर केन के कचरे से ढक दिया जाता है ताकि मॉइस्चर और टेम्परेचर जमीन का मेंटेन कर सकें और जल्दी उसका जर्मिनेशन अच्छा और जल्दी आ सके। जब जब पानी की पानी रेगुलरली देते रहना चाहिए जब तक जर्मिनेशन ढंग से नहीं आता है। एक बार जर्मिनेशन आ जाए, उग जाए बीज, उसके बाद में ये जो घास का कवर है या जिससे भी हमने ढका है उसको निकाल देना चाहिए। जो लास्ट वीक रहता है उस समय पानी को बंद कर देना चाहिए। पानी को बंद कर देते हैं तो स्टेम फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, इसे हार्डनिंग की प्रोसेस कहते हैं। 4 से 5 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए, 20% कम कर देना चाहिए ताकि अपना जो पौधा है वो मजबूत हो जाए और वो फील्ड के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए। सीडलिंग उस 4 से 5 वीक के अंदर रेडी हो जाते हैं। जैसे 5 से 6 पत्ते के होते हैं तो हम उसको लगा सकते हैं अपने खेतों के अंदर। अगर आप ये सब प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं और आप बाहर से ला रहे हैं तो आप देख लीजिए कि उसकी जो स्टेम है वो अच्छी खासी तैयार होनी चाहिए, इतनी साइज की होनी चाहिए और 5 से 6 हेल्दी पत्ते होने चाहिए, उसी प्लांट को आप लगाएं। इसी तरह से अपने कोकोपीट के अंदर भी तैयार कर सकते हैं, आजकल कोकोपीट में तैयार करने का भी ट्रेंड है। खेत की तैयारी अपने जमीन के लिए, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि सॉइल सोलराइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको 4 से 5 बार अच्छी तरह से प्लोइंग कर लेना चाहिए, प्लाव मार लेना चाहिए और उसको जमीन को तपाना चाहिए। उसके बाद में प्लैंक की मदद से, सुपड़ी की मदद से हमें उसका लेवलिंग करना चाहिए और अपने को पाड़ा बना देना चाहिए, फरो बना देना चाहिए। कम से कम 10 टन प्रति एकड़ गोबर खाद डालना चाहिए। गोबर खाद डालते हैं तो ही बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें मिलती है, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर खेती के अंदर कम से कम 10 टन प्रति एकड़ डालना ही चाहिए गोबर खाद, तो ही अपना क्रॉप अच्छा होता है। स्पेसिंग नॉर्मली अपने कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं और कौन से सीजन में लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दो रो के बीच में 75 से 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा जाता है और दो पौधे के बीच में 45 से 45 से 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। ये आप नॉर्मली जो जिस सीड जो आप यूज कर रहे हैं या जिससे पौधे ले रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि ये वैरायटी के लिए क्या डिस्टेंस रखना चाहिए, वो एकदम रहता है। जिस वैरायटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैलाव आ रहा है उसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहिए, 90/60 का रखना चाहिए। जिसमें फैलाव कम आ रहा है उसमें 75/45 का रखना चाहिए, 75/60 का रखना चाहिए। नॉर्मली प्लांटिंग का तरीका क्या रहता है, लाइट सॉइल में मतलब सैंडी सॉइल में सीडलिंग को खड्डे के अंदर ही, फरों के अंदर ही लगाया जाता है।
या हैवी सॉइल आपकी है तो वो पहले से जो हमने रिज पहाड़ा जो बना रखा है उसके साइड पे लगाया जाता है। लगाने से पहले जमीन को 3 से 4 दिन पहले अच्छी तरह से पानी डाल के गीला कर लेना चाहिए। कई बार गर्मी में लगाया जाता है तो जमीन बहुत तपी हुई होती है, तो गीला कर लेने से जमीन के अंदर जो भी गर्मी रहती है वो पहले निकल जाती है, वो जरूरी रहता है। पौधों को लगाने से पहले उसे कार्बेडिज्म एनकोजेब के सॉल्यूशन में 5 से 6 मिनट रखना चाहिए, और ट्रांसप्लांटिंग जो है वो शाम के समय करनी चाहिए। अगर आप केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारा उत्कर्ष कंपनी का माइक्रोब्स का भी उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोब्स के अंदर डिप करने के बाद भी उसको लगाया जा सकता है। 1 लीटर पानी के अंदर 5 से 6 ग्राम माइक्रोब्स दे लेंगे तो उसके बाद 10-15 मिनट रखने के बाद में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। उसके साथ में वैम का भी उपयोग कर सकते हैं, वैमोजेल का, वो भी 4 से 5 ml लेना रहता है और उससे जड़ें बहुत अच्छी मजबूत बनती हैं। इंटरकल्टीवेशन, वीड कंट्रोल, खेत जो है वो पूरा का पूरा वीड फ्री, खरपतवार से मुक्त रहना चाहिए, खास करके शुरुआत के स्टेज में, क्योंकि वीड जो है, खरपतवार जो है वो कॉम्पीट करता है मेन क्रॉप के साथ में और उसकी वजह से जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। ये इसके जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं तो बहुत गहरा हमें कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार उसकी वजह से उसके जड़ों को एक्सपोज होने के चांस रहते हैं। कल्टीवेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि हवा रेगुलरली ज़मीन में मिलती रहे और उससे जड़ों की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मैंने ऐसा भी बोला कि बहुत डीप कल्टीवेशन नहीं करना है, इससे जड़ें का नुकसान हो जाएगा और जो भेज अंदर बहुत गया हुआ है वो सरफेस पे आ जाएगा। 2 से 3 बार ही इसको क्या बोलते हैं आप कल्टीवेटर लगा सकते हैं, कल्टीवेटर कर सकते हैं या रोटावेटर कर सकते हैं जो आपको अनुकूल रहता है। घास उगने से पहले, घास ना उगे प्री इमर्जेंस के लिए आप बेसालिन का या पेंडामिथिलिन का 400 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको 45 दिन से पहले 45 दिन तक आपको राहत मिलेगी और आपको बिल्कुल वीड से मुक्ति रहेगी। दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ब्लैक प्लास्टिक मल्च भी कर सकते हैं, प्लास्टिक की मल्चिंग भी कर सकते हैं या स्ट्रॉ की मल्चिंग भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की मल्चिंग से 95% तक वीड्स खरपतवार का कंट्रोल रहता है और 50 माइक्रोन के आसपास की मल्च लेना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो गन्ने का जो कचरा होता है या स्ट्रॉ का कचरा होता है वो भी कर सकते हैं, उसे 60% जितना अपना वीड्स कंट्रोल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टमाटर के सक्सेस के लिए, क्योंकि ये गलती बहुत बार किसान करते हैं कि क्रॉप कौन सा क्रॉप पहले करना चाहिए, कौन सा क्रॉप बाद में करना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो टमाटर है वो सोलानेशियस फैमिली का क्रॉप है। सोलानेशियस फैमिली का क्रॉप जो भी होता है तो जिस जमीन में अपने टमाटर कर रहे हैं उस जमीन में सोलानेशियस क्रॉप नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन से क्रॉप मेजर इस फैमिली के रहते हैं वो है, मिर्ची है, बैंगन है, कैप्सिकम है, आलू है, तंबाकू है, सभी तरह की वेले वाली जो कुकर बीटस बोलते हैं, बॉटल गॉड, लौकी है, करेला है, गलकी है, तुरई है। एक साल तक ये क्रॉप नहीं लगाया होना चाहिए जहां आपको टमाटर लगाना है। कौन से क्रॉप टमाटर लगाने के बाद लगाने चाहिए तो वो अपने सीरियल क्रॉप्स मतलब कि अनाज वाले क्रॉप होते हैं, जैसे चावल है, मक्का है, गेहूं है, मिलेट्स अलग अलग तरह के होते हैं। दूसरा पत्ता टाइप के बना सकते हैं, इसको क्रूसीफेरस क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, फिर क्या बोलते हैं जड़ों में जो जाते हैं मतलब जड़े वाली क्रॉप, जैसे मूली है, प्याज है, अपना लहसुन है, ग्राउंडनट है, मूंगफली है, कॉटन है, सैफ्लावर है, सनफ्लावर है, तिल है, शुगर बीट है और मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड तो आप मैं आ गया आगे की स्लाइड में आएगा ही मैरीगोल्ड के बारे में।
अगर आपको टमाटर के साथ में इंटरक्रॉपिंग में भी कुछ करना है तो यही सब तरह के क्रॉप कर सकते हैं जिनका नाम मैंने अभी भी लिया है, सभी तरह के सीरियल क्रॉप्स, ग्रेन, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप का कर सकते हैं, जैसे चावल, चावल और टमाटर को साथ में उगा सकते हैं, चावल और मक्का भी साथ में उगा सकते हैं, भिंडी टमाटर और पोटैटो, नहीं ये पोटैटो नहीं लगाना चाहिए, ये मेरी गलती हो गई लिखने में, टमाटर के साथ प्याज लगाना चाहिए, ये पॉपुलर है जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लगाए जाते हैं। साथ में अपने पालक या मूली भी लगा सकते हैं इंटरक्रॉप में। दूसरा ये स्टेकिंग, स्टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने शुरू में बताया कि इनडिटर्मिनेट ये वेले वाली वैरायटी है, तो स्टेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि क्वालिटी टमाटर की तो ही आती है, क्योंकि पौधा की जो स्टेम रहती है वो नरम रहती है, तो इसलिए स्टेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हमें टेलीफोन पद्धति भी कई एरिया में कहा जाता है। ये नॉर्मली प्लांटिंग करने से 2-3 वीक के बाद की जाती है। ये लकड़ी की स्टेकिंग होती है या ओवरहेड तारों से जाती है। जो तार भी यूज होती है वो भी दो तीन तरह की होती है, या जीआई की तार यूज करा जाता है, आजकल प्लास्टिक की तार भी यूज की जाती है, या फिर अपने ये जूट की तार भी यूज की जाती है, या शरण की तार यूज की जाती है, इस तरह से अलग अलग चीज यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वुडन स्टैकिंग है, जो ऊंची वैरायटी होती है इसको खास इसकी जरूरत रहती है, उसकी जो वेला होता है उसको बांध देना पड़ता है ताकि वो झुक ना जाए, और फल जो है वो जमीन को टच नहीं होना चाहिए। फल को जमीन के साथ में या पानी के साथ में संपर्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो फल जो है वो सड़ जाता है और प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसलिए टमाटर के अंदर अगर आपको कमर्शियली बहुत अच्छी क्वालिटी उगानी है तो आपको ये स्टैकिंग या टेलीफोन पद्धति जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर बांस का, लकड़ी का और तार का सपोर्ट दिया जाता है, ऊपर तार बांधा जाता है और ऊपर से नीचे रस्सी डाली जाती है और उसको प्लांट को बांधा जाता है, खूब जरूरी है। टमाटर के अंदर प्रूनिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, खास करके इनडिटर्मिनेट टमाटो वैरायटी, जैसे मैंने बोला कमर्शियल वैरायटी तो इनडिटर्मिनेट ही होती है, तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग क्यों की जाती है? एक तो मालूम पड़ता है कि भाई जितना हमें फ्रूट का अगर क्वालिटी और क्वांटिटी उससे तय होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्लांट नज़दीक आ जाते हैं तो हवा नहीं जा पाती है, इसकी वजह से हवा का नहीं आना जाता है तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं जब प्लांट बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, कई बार हमारी वैरायटी के अंदर सपोज डिस्टेंस में गलती हो गई हो तो भी प्रूनिंग करने की ज़रूरत रहती है, तो बाहर की जो स्टेम एक दूसरे को जो टच हो रही है, लो लग रही है, उसे काट देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ग्रोथ अटक ना जाए, और सिंगल वेली ही ऊपर चढ़े। जो मेन जो डाली होती है वो जो मेन हेड निकल रहा होता है उसको कई बार तोड़ दिया जाता है, तो वो अगर जब तोड़ देते हैं तो उसको तोड़ते ही 3-4 डालियां नीचे निकलनी शुरू हो जाती है। ये भी एक टेक्निक रहती है कि 3-4 हम मेन स्टेप बना डालते हैं, मतलब हमें किस तरह से अपने प्लांट को चलाना है उस तरह से हम प्रूनिंग कर सकते हैं। इरीगेशन, टोमेटो जो है वो पानी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत हैवी इरिगेशन बहुत लंबे समय तक कभी भी उसे नहीं देना चाहिए। अगर बहुत लंबे समय तक पानी नहीं देंगे तो फल के अंदर क्रैकिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। लाइट इरिगेशन 3-4 दिन में देना चाहिए, ये फ्लड इरिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा ड्रिप इरिगेशन से ही हर खेती करनी चाहिए। टमाटर भी एक कमर्शियल क्रॉप है, टमाटर के लिए भी आप अगर बहुत प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं तो ड्रिप इरिगेशन से ही सारा का सारा पानी देना चाहिए, मॉइस्चर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होता है और 30-40% प्रोडक्शन उसी से अच्छी आ जाती है जो नॉर्मली इससे अपलर्ड से आने वाली है। इरिगेशन कितना देना है तो वो जमीन का प्रकार कैसा है, कितनी बरसात हो रही है उसके हिसाब से देना चाहिए। खरीफ के अंदर 7-8 दिन में पानी दिया जाता है, रबी के अंदर 10-12 दिन में दिया जाता है, और गर्मियों में 5-6 दिन में पानी दिया जाता है।
जब भी फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग का समय बहुत क्रिटिकल रहता है टमाटर के लिए, इसलिए उस समय पानी का कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम पानी पूरा का पूरा मेंटेन रहना चाहिए उस पीरियड के अंदर। फर्टिलाइजर को इसमें समझने की जरूरत है, ये फर्टिलाइजर के चार्ट के इसके हिसाब से ही हमने अपना प्रोग्राम भी बनाया हुआ है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आगे डिस्कस भी करूंगा। वापस से फर्टिलाइजर आपके जमीन में कैसी फर्टिलिटी है और कितना ऑर्गेनिक कार्बन लगाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बोला है कि 6 से 8 टन इधर लिखा है, लेकिन 10 टन तक आप आराम से यूज कर सकते हैं गोबर खाद। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के हिसाब से नॉर्मली एनपीके की रिक्वायरमेंट रहती है 48 केजी एन, 32 केजी P2O5 और 20 किलो K2O। एनपीके का है 48, 32, 20, ये ऑप्टिमल यील्ड के लिए है, जिसमें प्लांटिंग करते समय आधा डोज नाइट्रोजन का और पूरा का पूरा डोज फॉस्फोरस और पोटेशियम का प्लांटिंग के समय दे दिया जाता है और आधा डोज टॉप ड्रेसिंग में दिया जाता है। ये रिकमेंडेशन है नॉर्मली फ्लड इरिगेशन वालों के लिए और ओपी वैरायटीज के लिए। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी कर रहे हैं तो आपको एनपीके का रिक्वायरमेंट इससे काफ़ी ज़्यादा रहता है, 72, 40 और 24 का रहता है, जिसमें से उसी तरह से देना है कि फुल पूरा का पूरा आधा आधा पी और के प्लांटिंग के टाइम देना पड़ता है और आधा बाद में दिया जाता है 30 दिन के बाद में जब हमें पाड़ा चढ़ा रहे होते हैं उसके हिसाब से। ये वापस से फ्लड इरीगेशन के लिए है। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है कि किस तरह से देना चाहिए। तो ये 4 स्टेजेस रहती हैं फर्टिलाइजर की टमाटर के बारे में। तो जब पत्ते की डेवलपमेंट हो रही होती है वो 2 से 15 दिन तक चलती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद में। फ्लावरिंग स्टेज 16 से 30 दिन तक चलती है। फ्रूट सेटिंग स्टेज 31 से 41 दिन में आती है और फ्रूट ग्रोथ स्टेज 42 दिन के बाद में शुरू होती है। अगर ये वापस है फ्लड इरीगेशन का चार्ट है कि पीरियड 1 और पीरियड 2 में 29 दिन के अंदर अपने को किस तरह से एनपीके देना है, साथ में कैल्शियम का भी रिकमेंडेशन है कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट भी देना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो ये जो पूरा चार्ट इधर मैंने दिया है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेरा वीडियो हम लोग यूट्यूब पे रख देंगे तो आप भी देख सकते हैं। तो ये फ्लड इरिगेशन के लिए है, हमारा जो रिकमेंडेशन है वो ड्रिप इरिगेशन के लिए इसके चार्ट के हिसाब से है कि बेसल डोज के अंदर वो एनपीके के हिसाब से था, ये फर्टिलाइजर के हिसाब से कि भाई 50 किलो डीएपी, 50 किलो एमओपी, 25 किलो एमओपी और मार्वल जी 10 किलो बिफोर सोइंग लगा देना है। 5 दिन के बाद में ट्रांसप्लांटिंग के 5 दिन के बाद में रूट्स मल्टीप्लायर जड़ों को बनाने के लिए और स्ट्रेस फ्री, 6 से 12 दिन तक 19-19 और यूरिया, 13 डे माइक्रोब्स और वेमोस ताकि कोई भी डैम्पिंग ऑफ शुरुआत का ना आ जाए, फंगस ना आ जाए, 14 से 25 दिन तक 19-19 और यूरिया और डीएपी का है। फ्रूट सेटिंग स्टेज के अंदर 26 से फ्रूट सेटिंग शुरू हो जाता है, हॉर्स पावर और स्ट्रेस फ्री, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट देना रहता है। 32 से 36 दिन तक 12-61 और यूरिया देते हैं। 37वें दिन में एफ एनहांसर देते हैं, एफ एनहांसर के अंदर कॉम्बिनेशन रहता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरॉन का ताकि फल की क्वालिटी बहुत अच्छी तैयार हो। वापस से हॉर्स पावर और स्ट्रेस फ्री दिया जाता है। हॉर्स पावर के अंदर हॉर्स पावर एक पॉलीफॉस्फेट है 6 के 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में, स्ट्रेस फ्री कॉम्बिनेशन है हमारा यूमिक फुलविक एमिनो एसिड और सीवीड का, और 43rd डे में कैल्शियम नाइट्रेट दिया जाता है 1 एकड़ में 5 किलो। बाद में फ्रूट सेटिंग का समय शुरू हो जाता है जिसमें हमें 13045, 052, 34 कॉम्बी 2 बोरॉन ये सब है। पूरा चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चार्ट भी शेयर कर दूंगा। ये अपना स्प्रे शेड्यूल है जिसके अंदर शुरुआत का ये ग्रोथ का स्टेज है, प्राइमल और स्ट्रेस फ्री ग्रोथ के लिए है। बायो क्लीन स्वीप एक जैविक कॉम्बिनेशन है वर्टिसिलियम लिकेनी मेटरिज्म विवेरोस का, जिससे सकिंग पेस्ट ना आए और वायरस का प्रॉब्लम ना आए। डबल कॉम्बी 9 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन है। ये फ्लावरिंग स्टेज में पैंथर मार्वल और ट्रबल कॉम्बी का यूज किया जाता है और प्रिवेंटिव में ही वायरस का स्प्रे ले लेते हैं ताकि वायरस आगे चलकर वायरस के सामने इम्यूनिटी आ जाए। 60वें दिन में वापस से वायरिम्यून का स्प्रे ले लेते हैं ताकि वायरस का प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं आगे इन सब स्लाइड्स के आगे सब आने वाला है। ये हमारे अलग अलग स्टेजेस में जो हमारे प्रोडक्ट लगते हैं उन सबका है जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में दिखाया है। 30-37 दिन में, 42 डेज, 45 डेज में जो भी हमारी चीज़ें लगती हैं उन सबके फोटोग्राफ्स हैं। वाटर सोल्युबल की बैग्स हैं,
माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये सारे वाटर सोल्युबल है हमारे। ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी अपने यूज किया जा सकता है। ये सब प्रोडक्ट हमारे जिब्रेलिक एसिड और ये मैंने जो रिकमेंड किया उसके अंदर भी आ जाते हैं। खुद आप यूज करते हैं तो आप जिब्रेलिक एसिड 10 से 20 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं फोलियर स्प्रे में। लो टेम्परेचर जब हो तब इसका यूज कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट में भी जर्मिनेशन के लिए अंदर भी जिब्रेलिक एसिड का रिकमेंडेशन है। इथिकोन का रिकमेंडेशन है फ्लावरिंग के लिए, फ्लूटिंग के लिए और यील्ड के लिए। और हार्वेस्टिंग से पहले इथिकोन नॉर्मली मैच्योरिटी का रोल प्ले करता है। और पीसीपीए का जो है हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तब आप फोलियर स्प्रे लगा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से इंसेक्ट मेजर इंसेक्ट हैं जो टोमेटो क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रहता है वो रहता है फ्रूट बॉरर। फ्रूट बॉरर के अंदर जो इल्ली रहती है वो टेंडर मतलब नरम नरम फोलियज के अंदर घुस जाती है। मैच्योर के अंदर वो इस तरह से डैमेज करती है अपने टमाटर को। इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि आप जो भी इन्फेक्टेड फ्रूट दिखाई दें उनको वहां से निकाल लें और लार्वा भी वहां से निकल जाए। गेंदा फूल जिसे कहते हैं अपने मैरी गोल्ड कहते हैं, तो आप जब लगा रहे हैं तो हर 16 रोज के अंदर अगर टमाटो लगा रहे हैं तो एक रो के अंदर आपको मैरी गोल्ड अमेरिकन टॉल मैरी गोल्ड लगाना चाहिए। मैरी गोल्ड लगाने से जो इल्ली के जो बटरफ्लाई रहते हैं वो वहां चले जाते हैं तो ज्यादा डैमेज नहीं रहता है। आपके वहां पर अगर लाल ये हरी इल्ली मतलब हेलियोथिस का प्रॉब्लम है तो 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाने चाहिए। अगर कैटरपिलर दिखाए जाते हैं तो मिलते हैं और तो वो फॉल को बाहर निकाल कर उनको जला देना चाहिए। आप बीटी बैसिलस थुरिंजिस करके आता है जिसे बीटी कहा जाता है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी स्प्रे करा जा सकता है। इसके अलावा एजाडिरेक्टिन इंडोक्सोकार फ्लूबेंडी अमाइट और नोवेलोक्रोन का भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि इसका कंट्रोल रहे। ये अलग अलग पेस्टिसाइड का रिकमेंडेशन है जो आप इस इल्ली को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। जो मैंने अभी नाम लिखे हैं वो सबका डोजेज के साथ में। फिर हॉर्न वॉर्म्स रहते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। वो हेलियोथिस या लिली ईयर से किस तरह से अलग रहते हैं, इस पे ब्लैक कलर के डॉट्स भी रहते हैं और बहुत बहुत ज्यादा स्पीड में ये पत्तों को खा जाते हैं। अगर हॉर्न वॉर्म बहुत बड़े स्केल पर अगर आ जाता है तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है और नियरली प्लांट को खत्म कर डालता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए यही सब पेस्टिसाइड की जरूरत है और यही सब उसके लिए रिकमेंडेशन भी यही है जो हमने आगे हेलियोथिस के लिए देखे। व्हाइट फ्लाई के अंदर धब्बे बढ़ जाते हैं पत्तों के अंदर, पीलापन आना शुरू हो जाता है, पत्ते नीचे की साइड से कर्लिंग की तरफ आ जाते हैं और सूखने शुरू हो जाते हैं। और लीफ कल वायरस का वेक्टर रहता है व्हाइट फ्लाई, इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शुरू होने से पहले ही येलो स्टिकी ट्रैप लगा दें, पीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगा दें, या पीले रंग का अगर आपके पास कार्डबोर्ड है उसके ऊपर ग्रीस जैसा कुछ मटेरियल लगा दें और 10 से 15 अलग अलग जगह पे लगा के रख दें। जैसे अगर दिखाई देता है तो आप इमीडिएट क्लोरोपीड का स्प्रे ले सकते हैं 15 दिन के प्लांटिंग के बाद में। मैंने जैसे बताया बायो क्लीन स्ट्रिप का भी स्प्रे ले सकते हैं। ये अलग अलग केमिकल्स हैं जिसका डाइमिथियोट मेलोथियन थाइमिथोक्सिन इनका स्प्रे ले सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। एफिड्स पीछे से पत्ता इस तरह से दिखाई देता है, पीछे की साइड में वो डैमेज नॉर्मली दिखाई देता है और एकदम स्टिकी जैसा हो जाते हैं। वो पूरा का पूरा रस चूस लेते हैं जो प्लांट के अंदर रहता है। अगर एफिड का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा रहता है तो पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ अटक जाती है, अलग पीले पीले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उनको ये केमिकल्स की मदद से अपने कंट्रोल किया जा सकता है। लीफ माइनर भी कई बार देखा जाता है। लीफ माइनर नॉर्मली एक तरह की कीड़ा है जो दो पत्ते के दो लेयर के बीच में चलता है, कॉमनली देखा जाता है टमाटर के अंदर।
अगर बहुत ज्यादा लीफ माइनर दिख जाता है तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर असर आ जाती है, ग्रोथ पे असर आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से यील्ड के ऊपर भी असर आ जाता है। जो पत्तों पे दिखाई दे तो आप वो पत्तों को निकाल लें। साथ में हमारा उत्कर्ष का नीमोस गोल्ड है 10,000 BPM, 2 ml का स्प्रे लेते हैं तो लीफ माइनर का इजीली कंट्रोल हो जाता है। थ्रिप्स वापस से बहुत डेंजरस है, नए पत्तों के ऊपर दिखाई देता है, और जब फ्लावरिंग आ रही होती है अगर उस समय थ्रिप्स रहता है तो इस तरह से फल के ऊपर जब फल बड़ा हो जाता है तो उस तरह के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो थ्रिप्स का कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, वो TSWV बोलते हैं, उसका वो उसका वेक्टर यही रहता है, मतलब इसको स्प्रेड का करने का काम करता है, तो इसे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्पाइडर माइट, मतलब जिसको रेड माइट्स कहा जाता है, वो जब भी दिन का टेम्प अचानक से ठंड के अंदर गर्मी आ जाती है तो ये नॉर्मली आता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स जैसा कुछ दिखाई देता है पत्तों के ऊपर और पीछे की साइड दिखाई देता है, और वो आगे भी ऐसा लगता है किसी ने छोटे छोटे छेद कर रखे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये नुकसान है। इसके अंदर आप पत्ते को पीछे से करते हैं और पत्ते को हाथ से यूं घसते हैं, अगर हाथ में लाल लाल हो जाता है तो आप समझ लो कि वो रेड स्पाइडर माइट है। वो नॉर्मली पत्ते के आगे नहीं दिखाई नहीं देता, पीछे के साइड पर दिखाई देता है। इसके लिए आप वेटेबल सल्फर है, डाइकोफोल है, उसका आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। लूपर जो ग्रीन कलर का रहता है, मतलब लूपर इसलिए बोलते हैं कि वो घोड़ा ईयर कहा जाता है, घोड़े की तरह चलता है वो। ये भी एक तरह का कैटरपिलर ही है। घोड़े की तरह चल रहा होता है तो मतलब ये पत्ते के पीछे भी रहता है, आगे भी कई बार रहता है और पत्ते को खा जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए भी हमने जो हेलियोथिस का जो पूरा का पूरा दिखाई है वही का वही चार्ट हमने यहाँ रख दिया कि उसे कंट्रोल करने के लिए ये सब दवाइयों का यूज किया जा सकता है। अभी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से नेचुरल चीजों को यूज करके हमें करना चाहिए टमाटो के अंदर। तो सीड ट्रीटमेंट के अंदर आप हमारा उत्कर्ष सूडोज एल ले सकते हैं, उत्कर्ष का सूडोज एल और ट्राइकोज एल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 10 grams per kg ऑफ सीड। नर्सरी में यूज कर सकते हैं। नीम केक का यूज करना चाहिए 250 kg per hectare, क्योंकि इसके अंदर अभी आगे आएगा तो नेमेटोड्स भी आता है, नेमेटोड्स का भी आएगा। वैरायटी ऐसे सिलेक्ट करिए कि डिजीज वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी हो। अगर आपके प्लांट्स में वायरस लग गया है 45 दिन के ट्रांसप्लांट के बाद में तो उसको सारे को निकाल दो। बॉर्डर पे गेंदे का प्लांट लगाइए, मैरीगोल्ड लगाइए। नॉर्मली ये जैसे मैंने जो आपको सब ईयर बताए हैं, मतलब इल्लियां बताई हैं, वो उसको हेलियोप्थिस और स्पोडोप्टेरा कहा जाता है, तो उनके ट्रैप रखिए, 5 ट्रैप प्रति एकड़ या 12 ट्रैप प्रति हेक्टर रखिए। स्टिकी ट्रैप लगाइए क्योंकि बहुत कॉमन है देखना ये वाइट फ्लाई का। थ्रिप्स का भी अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम रहता है तो आप ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं। उत्कर्ष नीमोस गोल्ड का रेगुलरली स्प्रे करिए, या अगर आप खुद नीम का नीम कर्नल का बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट तो 5% के हिसाब से रेगुलरली उसको प्रिवेंटिव में स्प्रे करिए। ये हमारे ट्राइकोजेल और सूडोजेल हैं जो सीड ट्रीटमेंट के लिए और उसके लिए अपने मैंने रिकमेंड करे हैं। ये बायो क्लीन स्वीप है, जैसे इसके बारे में बात करिए, अपना नीमोस गोल्ड है, इसका आप रेगुलरली यूज करते हैं तो बहुत सारे ये इंसेक्ट से अपना कंट्रोल रहता है। ये रूट नॉट नेमेटोड भी खूब कॉमनली देखा जाता है टमाटर के अंदर। इसके अंदर नॉर्मली ग्रोथ अटक जाती है, पत्ते बड़े नहीं हो रहे होते हैं, और आप उसकी जड़ें खींच के देखें तो इस तरह से जड़ों में गांठें बन जाती हैं गोल गोल, वो प्लांट को आगे बढ़ना नहीं देता है। बहुत ज्यादा अगर ये बढ़ जाता है तो प्लांट मरना शुरू हो जाता है और मतलब एक तरह का क्रॉप फेल हो जाता है। तो रूट्स को, रूट नॉट नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए हमें जड़ों के अंदर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कार्बोफ्यूरॉन देना चाहिए, नहीं तो हमारा ये ऑर्गेनिक के अंदर हमारा नेमेटोनील आता है जो कॉम्बिनेशन है 6 तरह के अलग अलग फंगस का, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए। अभी अपने अलग अलग तरह के वायरस देखते हैं कि ये लीफ कल वायरस है, टोमेटो लीफ कल वायरस बोलते हैं इसे। पत्ते जो हैं वो मोज़ेक, मतलब धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो नसें रहती हैं उसके बीच में पीलापन आना शुरू हो जाता है कहीं पे, और पत्ते सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं अंदर की तरफ, और जो
नीचे लोअर लीव्स रहते हैं वो एकदम कड़क होने शुरू हो जाते हैं, इससे अपने को आइडिया आ जाता है कि ये लीफ कर्ल वायरस है। लीफ कर्ल वायरस अगर एक दो पौधों में आता है तो जैसे मैंने आगे बताया उसे आप निकाल दीजिए। इसका अगर वेक्टर है तो वेक्टर को कंट्रोल कर रही है, नॉर्मली वेक्टर थ्रिप्स या वाइट फ्लाई रहता है, स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए। जैसे ये सीरियल क्रॉप अगर आसपास में रहते हैं तो उसके ऊपर आराम से जा सकते हैं, वो लगाना चाहिए, स्प्रेइंग करना चाहिए इमीडिया का, डाइमिथियोड का, और साथ में मैंने जो अपने बताया है कि वायरोस वायरीमून का भी स्प्रे करना चाहिए। ये मोजेक वायरस है, मोजेक वायरस जब दिखता है तो पत्ते एकदम डार्क डार्क कलर के, डार्क कलर के धब्बे एक जगह पे और लाइट कलर के धब्बे दूसरी जगह पे दिखाई शुरू होने शुरू हो जाते हैं, पत्ते की साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है और पत्ते मोटे मोटे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे एकदम फुल्ले हो गए हों पत्तों के ऊपर, कैसे फोड़े हो गए हों ऐसे दिखाने शुरू हो जाता है, और फल फल का सेटिंग कम हो जाता है और फल खराब होना शुरू हो जाता है। इन दोनों के लिए कंट्रोल के लिए हमें सकिंग प्रेस का कंट्रोल करना है, और ये वायरस वायरोस का और वायरीम्यून का ऑल्टरनेटिवली यूज करना रहता है। ये दोनों अलग अलग फॉर्मुलेशन है कम्प्लीटली, और दोनों का अलग अलग तरह का इम्यूनिटी डेवलप करता है उसके अंदर ताकि वायरस कंट्रोल हो जाए। अब आपने देखते हैं अलग अलग तरह के फंगस, फ्यूजेरियम विल्ट, विल्ट के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। ये फ्यूजेरियम विल्ट देख रहे हैं जिसके अंदर जो पुराने पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं एक साइड से, और वो धीरे धीरे नीचे से पीलापन होते होते वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। जो इन्फेक्टेड पत्ते रहते हैं वो नीचे की तरफ कर्लिंग होता है, ऐसे नीचे की तरफ कर्लिंग शुरू हो जाता है, फिर उसका ब्राउनिंग होना शुरू हो जाता है और वो सूखने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली जो यंग जो जवान छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर ये ज्यादा असर दिखाई देता है और वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं एकदम। ये अगर शुरुआत में विल्टिंग शुरू हो रही है तो उसमें पौधा ऐसा दिखता है, बहुत एडवांस में पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। रेलस्टोनिया विल्ट, इसमें पैचेस के अंदर कामकाज दिखाई देता है, पत्तों के ऊपर पैचेस विल्ट के पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं और अचानक से 2 से 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा पौधा एकदम ढीला हो जाता है और मरने जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो मेन स्टेम रहती है वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया बाद जब पानी के अंदर रखा जाता है तो हमें दिखाई देता है कि वो स्टेम को काट के रखते हैं तो बैक्टीरिया बाहर कुछ निकल रहा हो ऐसा हमें दिखाई देता है। अगर उसके अंदर ग्रीन कलर का कुछ निकल रहा है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि रेलस्टोनिया विल्ट है, फ्यूजेरियम विल्ट नहीं है। ये तीसरे तरह का विल्ट है, स्कैरोलोटियम विल्ट। ये नॉर्मली जो थर्ड रहता है स्टेम रहता है उसका ब्राउनिंग शुरू हो जाता है, जो नॉर्मली जमीन के ऊपर के भाग से होता है, उसके ऊपर वाइट कलर का क्या बोलते हैं मूड जैसा आना शुरू हो जाता है, जो अलग अलग गोल गोल स्वरूप में ये जैसे दिखाया है आपको माइसिलियम, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में उसका सड़ा शुरू हो जाता है और वो नॉर्मली पूरा पौधे को पीला और ब्राउन कर डालता है। इन सबका कंट्रोल करने का रिकमेंडेशन मैं लास्ट में दूंगा। ये ब्लाइट के सिम्टम्स हैं, ब्लाइट के अंदर पत्ते के अंदर शुरुआत के अंदर ऐसे गोल गोल धब्बे शुरू होना शुरू हो जाते हैं, नए पत्तों के अंदर ऐसा सूखापन आना शुरू हो जाता है, पत्ते एकदम सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और फल के ऊपर ऐसे गोल गोल से रिंग बननी शुरू हो जाती है। ये है तो हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि ये बर्ड का ब्लाइट है या फिर इसको ग्राउंड नट बर्ड नेक्रोसिस वायरस ही बोलते हैं, ये वायरस के सिम्टम भी है। अर्ली ब्लाइट के अंदर ये जो थर्ड रहता है उसके ऊपर स्टेम के ऊपर इस तरह से धब्बे पहले काले होते हैं, वो अंदर से बाद में जाके व्हाइट होकर सूखने शुरू हो जाते हैं सफेद होने के बाद में, और पत्तों के ऊपर इस तरह से गोल गोल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, वो भी लोअर लीव्स के अंदर ही होते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये अर्ली ब्लाइट है। ये लेट ब्लाइट के अंदर जो सिम्टम रहते हैं वो पत्तों के ऊपर स्टेम के ऊपर और फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं। पत्ते पीलापन आना शुरू हो जाता है उसके अंदर, नॉर्मली वो टिप्स के ऊपर से उसका शुरुआत होती है।
धीरे धीरे करके वो जो कालापन है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है और पूरा का पूरा पत्ता सूखना शुरू हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू नॉर्मली बहुत ज्यादा ठंड होती है उस समय देखने को मिलता है। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर पत्तों के ऊपर फल के ऊपर किसी ने पाउडर स्प्रे करा हो ऐसे अपने को लगता है, क्लियर कट इसमें दिखाई दे जाता है कि पाउडरी मिल्ड्यू ही है। वो नॉर्मली नीचे लोअर लीव से शुरू होता है फिर अपर लीव्स की तरफ जाता है। लीव स्पॉट फंगस ये है, इसके अंदर पत्ते की धार के आसपास में ये गोल गोल डॉट्स जैसा हमें दिखना शुरू हो जाता है और बाकी के नीचे का पत्ता जो रहता है वो पूरा का पूरा ग्रीन रहता है। बैक्टीरियल स्पॉट में पूरा का पूरा डिस्टिंक्टली एकदम रस्ट जैसा गोल गोल दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर बैक्टीरियल स्पॉट दिखाई देता है तो हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करके उसे कंट्रोल कर देना चाहिए। जो आगे के सब फंगस दिखाए हैं उसके अंदर आप कार्बेनिज़म मैनकोज़ेब का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, मेटालेक्सी ले सकते हैं, मेटालेक्सी मैनकोज़ेब ले सकते हैं, नाइनोकैप ले सकते हैं, प्रोपिकोनाज़ोल, ये सारे के सारे खूब इफेक्टिव है ये अलग अलग तरह के फंगस के ऊपर। अगर अपने ऑर्गेनिकली कर रहे हैं प्रिवेंटिव अंदर कर रहे हैं, अगर रेगुलरली 2 से 3 स्प्रे अगर फंगस का जब शुरुआत हो रही है ये सब तरह के फंगस के सिम्टम दिखते हैं तो हमारी कंपनी का फंग फ्री है जो ट्राइकोडर्मा और दूसरे 5 फंगस का कॉम्बिनेशन है। इसका स्प्रे भी किया जा सकता है, इसे जमीन में भी दिया जा सकता है और इससे भी ये बहुत इफेक्टिव देखा गया बहुत सारे फंगस के सामने। अभी अपने देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी में क्या क्या कैसा दिखता है पौधा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी ये सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे, मेजर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपने देखेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी में कैसा दिखता है और क्या कर सकते हैं। ये पौधा में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की जो सीवियर डेफिशिएंसी रहती है तो लोअर लीव्स पूरे के पूरे छोटे होने शुरू हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ अटक जाती है, लोअर लीव्स पूरे के पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं और उसकी जो नसें हैं वो पर्पल कलर की बननी शुरू हो जाती हैं, जो स्टेम रहती है वो पतली होनी शुरू हो जाती है हेल्दियर प्लांट से और जो फल रहता है वो गिरना शुरू हो जाता है, लालच आनी शुरू हो जाती है उसके अंदर। नाइट्रोजन के लिए हमें अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, रिकमेंडेशन भी जैसे हमने दिया है यूरिया का दिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये सब नाइट्रोजन को दूर करता है। नॉर्मली ये ठंड के अंदर हमें यूरिया की जरूरत, यूरिया लिमिटेड रहते हैं, बाकी अमोनियम जैसे हमारा रिकमेंडेशन है 19:19 का और यूरिया का शुरुआत के स्टेज में ग्रोथ के स्टेज में अगर वो रेगुलरली देते हैं तो इसकी कमी दिखाई नहीं देती है। फॉस्फोरस की कमी, फॉस्फोरस का मेजर रोल रहता है फल की कितने फल आने चाहिए, फल की क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, फूल कितने आने चाहिए। अगर हमने फॉस्फोरस ढंग से नहीं दिया है तो ग्रोथ उसका अटक जाता है, प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं बनता है, जो स्टेम रहती है वो उसकी जड़ाई नहीं बन पाती है, पत्ते जो हैं वो पर्पल कलर के बनने शुरू हो जाते हैं पुराने पत्ते और फ्लावरिंग भी जितना अच्छा आना चाहिए उतना फ्लावरिंग देखा नहीं जाता है। फॉस्फोरस की कमी दूर करने के लिए जैसे हमारा रिकमेंडेशन है कि आप लगाते समय DAP का दीजिए या SSP दीजिए, बाद में फ्लावरिंग स्टेज के अंदर हॉर्स पावर दीजिए जो हमारा पॉलीफॉस्फेट है, 3 तरह के फॉस्फोरस आते हैं, फिर उसके साथ में 12-61 MAP दीजिए और जब फ्लावरिंग आ गई है फ्रूटिंग के साथ में फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के साथ में 0-52-34 का हमारा रिकमेंडेशन है। पोटेशियम डेफिशिएंसी, जो पोटेशियम की जब कमी रहती है तो जो प्लांट रहते हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं और फल की भी साइज बड़ी होनी शुरू नहीं होती है। पोटेशियम फल की रंग रूप सुगंध स्वाद के लिए जवाबदार रहता है, जो पोटेशियम की कमी कभी भी नहीं आनी चाहिए और वो थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है अपने खेती के लिए। जो पत्ते रहते हैं वो ब्राउन कलर के बनने शुरू हो जाते हैं उसमें और उसके पत्ते धार उसकी जलनी शुरू हो जाती है पत्तों की। अगर बहुत लंबे समय तक अगर आप पोटेशियम की कमी रखते हैं तो पूरी की पूरी धार पीली हो जाती है और इवन उसकी नसें जो हैं वो भी पीली, नसों तक पीलापन आ जाता है और ये फल फल के अंदर भी उस तरह का पीलापन देखना शुरू हो जाता है और फल का कलर भी खराब हो जाता है। जैसे हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से ये सारे के सारे हमने अलग अलग स्टेज में रिकमेंडेशन दिए ही हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम नाइट्रेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट।
मैग्नीशियम का रोल मेजर फोटोसिंथेसिस का रहता है। मैग्नीशियम की जब कमी दिखाई देती है तब वो पुराने लीव्स के अंदर दिखाई देती है, जिसमें नसें ग्रीन जैसे दिखाई देती हैं, लेकिन धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, पीलापन आना शुरू हो जाता है। जो उसकी धार रहती है वो सूखती नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी पीली हो जाती है, और बाद में नसें भी अंदर से वो पीलापन आना शुरू हो जाता है। शुरुआत में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं, और जब बहुत देर तक मैग्नीशियम की कमी है तो पत्ता इस तरह से हो जाता है। हमारे रिकमेंडेशन में अराउंड 35 से 40 दिन के आसपास मैग्नीशियम सल्फेट का रिकमेंडेशन है, तो मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको मैग्नीशियम ईडीडी का भी स्प्रे करना चाहिए, ताकि मैग्नीशियम की कमी तुरंत दूर हो जाए। सल्फर की डेफिशिएंसी के अंदर पूरा का पूरा, जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की जैसे पूरा यूनिफॉर्म पूरा पीलापन आना शुरू हो जाता है पूरे प्लांट के अंदर, और नीचे की साइड में लाल रंग के पत्ते होने शुरू हो जाते हैं। अगर सल्फर की कमी बहुत लंबे समय तक रहती है तो पत्ते एकदम खड़े होने शुरू हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये नॉर्मली बीच के पत्तों में ऐसा होता है। उसकी कमी दूर करने के लिए हम बेंटोनेट सल्फर है, लिक्विड पॉलिश लिक्विड सल्फर है, पॉली सल्फर 90% WDG है, या फिर अपने मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, इसका रियूज करते हैं तो आराम से इसका कंट्रोल हो जाता है। कैल्शियम जवाबदार रहता है फल की साइज के लिए, फल का कड़क रहने के लिए, मतलब क्वालिटी के लिए। कैल्शियम का क्वालिटी, वजन और साइज तीनों के लिए कैल्शियम की काफ़ी ज़रूरत रहती है। कैल्शियम को हम काफ़ी सारे हमारे रिकमेंडेशन में रेगुलरली है, दोनों रिकमेंडेशंस के अंदर कैल्शियम का रिकमेंडेशन है, लेकिन कैल्शियम की बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए। ये एडवांस सिम्टम का फोटो आपको इधर दिखाया गया है। अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो जो क्योंकि एकदम नरम रहता है तो वहाँ से सड़ना शुरू हो जाता है एक तरह से, अपने को ऐसा लगता है कि फंगस है, लेकिन फंगस का कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है, लेकिन फल खराब होना शुरू हो जाता है। ये ना, उसके लिए हमें रेगुलरली कैल्शियम नाइट्रेट का ड्रिप देना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो कैल्शियम ईडीडी भी दे सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन में जैसे एफ एनहांसर है तो एफ एनहांसर के अंदर कैल्शियम ईडीडी आ ही जाता है। एफ एनहांसर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, ये तीनों का तत्व आ जाता है, तो आपको तीनों की कमी दिखाई नहीं देगी अगर रेगुलरली आप एफ एनहांसर दे रहे हैं तो। जिंक की कमी नॉर्मली नए पत्तों में दिखाई देती है। नए पत्तों के अंदर जिस तरह से मैग्नीशियम की कमी के अंदर धब्बे बढ़ने शुरू होते हैं, नसें पूरी की पूरी ग्रीन रहती हैं, उसी तरह की कमी, उसी तरह के सिम्टम जिंक के अंदर भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ज़्यादा सूखा सिम्टम दिखाई देते हैं तो पूरा का पूरा पत्ते पीलेपन सूखना शुरू हो जाता है, पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो इसकी कमी ना आए उसके लिए जिंक सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, जिंक ईडीडी का यूज़ कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन डबल कॉम्बी कॉम्बी टू का है, जिसके अंदर 6 के 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। डबल कॉम्बी के अंदर तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आ जाते हैं, इसलिए अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आपको जिंक की कमी दिखाई देगी नहीं। आयरन की कमी के अंदर नए पत्ते के अंदर पूरे का पूरा पत्ते के अंदर नसें खाली ग्रीन रह जाती हैं, पूरा का पूरा बाकी का पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है। पूरा नए पत्तों में ऐसा दिखता है, पूरा का पूरा अगर पहले क्या बोलते हैं यहाँ से शुरू होता है और आगे आगे चल के पूरा पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है, इस तरह से पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है। आयन की कमी ना हो, आयन की कमी दूर करने के लिए फेरस सल्फेट रहता है जमीन के लिए, FeEDTA 12% रहता है, ये हमारा पीग्रो नाम से आता है। FeEDA रहता है 6% का, जमीन का आपका पीएच क्या है उसके ऊपर से ये यूज करना होता है। बोरॉन की कमी के अंदर पत्ते टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, किसी ने पत्तों को ऐसे दबा रखा हो ऐसा लगना शुरू हो जाता है। फल के अंदर फल भी एकदम शेप में उसका डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है, फल फटने शुरू हो जाते हैं। तो बोरॉन का कंट्रोल कॉम्बी टू है, अपने डबल कॉम्बी अपना एफ एन आंसर है उसका यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी बोरॉन की कमी नहीं आती है। बोरॉन वापस से शेप और वजन के लिए जवाबदार रहता है। कॉपर की कमी के अंदर पत्ते सुकुड़ने शुरू हो जाते हैं ऊपर की तरफ से, कॉपर की ये नॉर्मली बहुत कम बार देखने को मिलता है टमाटर के अंदर, लेकिन अगर आप कॉम्बी टू का रेगुलरली यूज कर रहे हैं, डबल कॉम्बी का यूज कर रहे हैं, तो ये कमी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती है। मैंगनीज के अंदर पत्ते के अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है, और वो जैसे आयन की कमी रहती है उस तरह की कमी इसमें दिखाई देती है।
अगर मैंगनीज की कमी ज्यादा बढ़ती है तो पत्ते नसों के आसपास में डार्क एकदम काले रंग के होने शुरू हो जाते हैं। मैंगनीज की कमी हम मैंगनीज यूरिया के स्प्रे से दूर कर सकते हैं या जमीन में मैंगनीज सल्फेट देके कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग किस स्टेज में होता है, ये 6 स्टेजेस हैं, ये इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप पहली बार टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो पहला स्टेज में डार्क ग्रीन कलर रहता है फल का, और रेडिश पिंक स्टेज डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर अगर फल को बहुत दूर तक भेजना है तो ये डार्क ग्रीन स्टेज के अंदर उसको नॉर्मली हार्वेस्ट तोड़ा जाता है। उन तरह के फलों के ऊपर 48 घंटे पहले इथिलीन का स्प्रे किया जाता है भेजने से पहले। अगर आपके फल इमेच्योर हैं, ग्रीन टमाटो हैं, अगर ढंग से उसका क्या बोलते हैं राइपनिंग मेच्योरिटी नहीं आई है तो वो पूरी खराब क्वालिटी के रह जाएंगे। तो इसको जानना है कि पूरी अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है, तो टमाटर को लेना होता है और उसको आधा काटना होता है। अगर जब काटते समय अगर सीड्स बीज भी अगर कट जाते हैं तो समझ लेना कि अभी फल तैयार नहीं हुआ है और वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, मतलब सीड कभी भी नहीं कटने चाहिए। सेकेंड स्टेज जो रहता है वो ब्रेकर स्टेज रहता है, थोड़ा थोड़ा 1/4 पार्ट जो रहता है, 1/4 भाग थोड़ा थोड़ा पिंक कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर फल को इस समय तोड़ा जाता है तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, और इस स्टेज में 1/4 में जब पिंकिश में अगर थोड़ा जाता है तो बहुत लंबे समय तक अपने दूर तक भेजा जा सकता है और बहुत अच्छी अच्छी प्राइस मिल सकती है कम स्टेज कम वाले उससे। इन सब का मैं फोटो भी आगे दिखाऊंगा। पिंक स्टेज के अंदर 3/4 भाग का फल क्या बोलते हैं पिंक हो गया होता है, रेडिश पिंक, मतलब फल पूरा कड़क होता है लेकिन पूरा का पूरा फल पीला हो गया होता है। ये नॉर्मली लोकल मार्केट में अगर आपको भेजना है तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। फुल्ली राइपन, मतलब पूरा का पूरा तैयार फल, पूरा का पूरा फल तैयार हो गया है और थोड़ा थोड़ा नरमाश आ गई है। ये वाले फल नॉर्मली 2 नंबर के फल कहा जाता है और ये प्रोसेसिंग के अंदर ही भेजा जा सकता है। जो फल रहते हैं उसको नॉर्मली हार्वेस्टिंग उसका थोड़ा ही उसकी अर्ली मॉर्निंग या शाम को की जाती है, दोपहर के टाइम पे नहीं की जाती है। फलों को नॉर्मली यूं घुमा कर तोड़ा जाता है, और तोड़ने से और उसको खींचा नहीं जाता है, खींचते हैं तो टूटने के खराब होने के चांस रहते हैं। जो तोड़ने के बाद में नॉर्मली हार्वेस्ट करने के बाद में बास्केट के अंदर में या क्रेट के अंदर रखा जाता है और उसको क्रेट को छाए में रखा जाता है, क्योंकि एक साथ में सारे के सारे फल नहीं रहते हैं तो उनको 4 दिन के इंटरवल पे तोड़ना चाहिए, एक साथ में सबको तोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। नॉर्मली एक क्रॉप के 7 से 11 आपकी तोड़ आती है, 711 बार आपको तोड़ आती है, तो आपको उस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको अलग अलग स्टेज बताया है, ये पहला स्टेज है, इसमें नहीं तोड़ना चाहिए, इसमें पुअर क्वालिटी कहा जाता है। ये एग्जैक्टली राइट स्टेज है जहाँ पे 1/4 पार्ट अपना लाल हो गया है और बीज कट नहीं रहे हैं। ये अगर पूरा का पूरा टर्निंग स्टेज है कि जिसमें ये थर्ड और फोर्थ स्टेज वाला जो है वो लोकल मार्केट के लिए रहता है, ये जो फिफ्थ स्टेज वाला है उसके अंदर वो भी लोकल मार्केट के अंदर रहता है, लेकिन जो 6th स्टेज में आ जाता है जिसमें नरमाश आ जाती है वो बिल्कुल भी मार्केट में नहीं चलता है, तो वो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। अगर आपके पास प्रोसेसर टाइप के लोग हैं तो आप उसके लिए जो सॉस बना रहे हैं या प्यूरी बना रहे हैं तो उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। नॉर्मली 1 एकड़ के अंदर ओपी वैरायटी रहती है तो 8 से 10 10 टन प्रति एकड़ आना चाहिए, और हाइब्रिड वैरायटी में 20 से 24 टन प्रति एकड़ प्रोडक्शन आता है। अब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे मैंने बताया है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स अमेजन पर और उत्कर्ष एग्रोटेक हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अभी 31 तारीख तक उसके अंदर स्कीम भी चल रही है, आपको 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी है टोटल खरीदी के ऊपर। ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उत्कर्ष के हाइड्रोपोनिक्स के मीडिया है, पूरी रेंज हमारे पास वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स की, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, फिर नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर हैं जैसे नीम ऑयल बेस्ड हैं और प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड हमारे प्रोडक्ट हैं, वायरस वायरिम्यून, फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी हम लोग देते हैं, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम केक है,
फिर पीजीआर बेस्ड रहते हैं हमारे, एमिनो एसिड, यूमिक एसिड, जाइम रहता है, बीम प्लस रहता है, काफी सारे प्रोडक्ट हमने रिकमेंड भी किए हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है कि हर एक सॉल्यूशन है। लोग नॉर्मली केमिकल का रिकमेंडेशन रहता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट्स केमिकल की टक्कर में रिजल्ट देते हैं। फिर EDTH रिलेटेड के अंदर जैसे बताया गया, हर तरह के हर न्यूट्रिएंट हमारे पास अवेलेबल है। एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी हमारे पास फर्टिलाइजर की रेंज है, एमिनो रिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं, स्प्रेडर्स हैं, ड्रिप क्लीनर हैं। अभी अपने क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे। मैं आप सभी को क्या बोलते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स भी खोल रहा हूं, आपको अगर कोई भी सवाल इससे लगता आ रहा है तो आप यहां पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल नहीं रहेगा तो अपना वेबिनार यहाँ पर अपना कंप्लीट करेंगे। 3:30 बजे आज चीकू के ऊपर भी अपना वेबिनार है। आप में से कुछ लोग चीकू के फार्मर्स भी हैं तो आप 3:30 बजे वो भी अटेंड कर सकते हैं। अगर चीकू से अपना आप लोगों को सबको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया हुआ है, अगर आपके टमाटर के प्लांट्स हैं और कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं utkarsameer@gmail.com पे। हमारी वेबसाइट पर हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में इतना कहेंगे कि इससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नॉर्मली बाजार में नहीं रहते हैं और राइटली प्राइस रहते हैं। 31 दिसंबर तक हमारी एक स्पेशल सेल चल रही है, ईयर एंड सेल, फर्स्ट टाइम हमने सेल रखा है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कोई भी सवाल अगर आपका नहीं आ रहा है, आप आपको मैं अनम्यूट भी कर सकता हूं, अगर आप हाथ खड़ा करते हैं आप अपने आप को भी अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो हमारा क्या बोलते हैं वेबिनार यहां पर टमाटर का कंप्लीट होता है। मैं व्हाट्सएप पर कॉल पर अवेलेबल हूं, आप कुछ भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस एंड सी यू एट 3:30 हमारे अगले वेबिनार के लिए। छोटा सा ब्रेक है बीच में एंड वी आर क्लोजिंग दिस वेबिनार ईयर। थैंक यू।